हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे 75 डिग्री एंगल किस तरह बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक सरल रेखा खींच ले रहे हैं। मैं एक 6 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा खींच रहा हूँ, आप कोई भी सेंटीमीटर का ले सकते हैं। मैंने इस पॉइंट का नाम दिया बी, इस पॉइंट का नाम दिया सी। कॉम्पास के मदद से आप पॉइंट बी पे रख कर एक अर्धव्यास, एक सेमी सर्कल खींच लीजिए। उसके बाद इस पॉइंट पे कंपास रख कर आप एक 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, और यहाँ पे ऊपर एक आर्क खींच लीजिए। और फिर यह इस पॉइंट पे कंपास नीडल रख कर आप ये आर्क को काट लीजिए। ये पॉइंट और ये पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे 90 डिग्री नहीं 75 डिग्री एंगल बनाना है। तो एक हम सर्कल के ऊपर एक सरल रेखा टान देंगे, ये 90 डिग्री मार्क कर दिए। कॉम्पास की सहायता से इस पॉइंट पे कॉम्पास रखकर और ये लेंथ, ये आर्क का लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर आप एक आर्क टान लीजिए यहाँ पर, और इस पॉइंट पे रखकर जहाँ पे हमने 90 डिग्री का लाइन टाना है उस पॉइंट पे कंपास नीडल रखकर उस आर्क को काट लीजिए। फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे बी, और जहाँ पे हमने आर्क काटा है उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो हमने ज्वाइन कर दिया, इसका नाम दे देते हम पॉइंट लाइन ए। तो 90 डिग्री और 60 डिग्री को हम लोग बाइसेक्ट किया, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है, तो 30 डिग्री एंगल हम लोग बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 15 डिग्री मिला हमको। तो ये 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री मिलके हो गया 75 डिग्री। तो हम लिख लेते 75 डिग्री एंगल बना, और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। अगर मेरे वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।